जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान एक कार और बस की जोरदार भिड़ंत देखने को मिल रही है। इस घटना के दौरान दो बच्चों समेत 10 जनों को मृत घोषित कर दिया गया है। यह पूरा मामला कर्नाटक के मैसूर के पास तरन सिंहपुरा का बताया जा रहा है। कार में सवार 3 जने हालात ठीक नहीं है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया है और कार में ड्राइवर सहित कुल 13 लोग सवार थे। SP सीमा लातकर ने बताया कि इस घटना में इनोवा कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और इस घटना में 9 जनों को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक बल्लारी जिले के साना कुल्लू के रहने वाले हैं और वे बीआर हिल से एक इनोवा कार में लौट रहे थे। उन्होंने कार किराए पर ली थी और मैसूर से उन्हें शाम को ट्रेन से बेल्लारी लौटना था। इसके पास इनके ट्रेन के टिकट भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि निजी बस कोल्लारी के ओर जा रही थी और इस घटना में 3 जनों के हालात ठीक नहीं है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और बताया जा रहा है कि मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ही सभी के शवों को बाहर निकाला गया है और पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज करते हुए अब मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है और साथ में घायलों का फ्री इलाज करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।